What's up guys, this is your friend Vishal and welcome back to my YouTube channel. Guys, जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एवेंजर बाइक के रिव्यू के रिगार्डिंग. गाइज, ये बाइक मैंने 2017 में परचेज की थी एंड ऑलमोस्ट टू प्लस ईयर्स हो गए मुझे इस बाइक को राइड करते हुए. आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में. ये बाइक के साथ मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या इस बाइक में प्लस पॉइंट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं. गाइस, इस रिव्यू को मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है. स्टॉक एक्सपीरियंस, मेंटेनेंस कॉस्ट, बाइक एवरेज एंड कंफर्ट. गाइस, अगर स्टॉक एक्सपीरियंस की बात करें, आई मीन बिफोर एनी मॉडिफिकेशंस, तो इस बाइक का स्टॉक एक्सपीरियंस मेरे साथ अच्छा रहा है. आई नो काफी लोगों को न्यू बाइक थोड़ा रफ लगती है, बट इस बाइक के स्टॉक एक्सपीरियंस में मुझे कोई परेशानी नहीं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट. आई नो गाइस, बाइक की मेंटेनेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बाइक को लेने से पहले. सो आई टेल यू गाइस, दिस बाइक इज इजी टू मेंटेन. इस बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा नहीं है. अगर आप अपनी बाइक रेगुलर सर्विस किसी ऑथराइज सेंटर से करवाते हैं तो दे विल चार्ज यू 700 to 800 प्लस ऑयल चार्ज. एंड अगर आप मेरी तरह अपनी सर्विसिंग किसी भी आसपास के ट्रस्टेड मैकेनिक से कराते हैं तो ही विल चार्ज यू अराउंड एवरेज 800 to 900 विद ऑयल चार्ज. सो इट्स बाइक की मेंटेनेंस काफी इकोनॉमिकल है एंड ये गाइस, ये बाइक इजी टू मेंटेन है. सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एवरेज. गाइस, इट्स अ 220cc बाइक. ये बाइक मुझे जो एवरेज देती है वो है 35 to 40. बट यस गाइस, किसी भी बाइक की एवरेज काफी हद तक आपकी राइडिंग हैबिट पे भी डिपेंड करती है. सो अगर आप इस बाइक को एक डिसेंट स्पीड मेंटेन करके चलाते हैं तो आई एम श्योर ये बाइक आपको इससे ज्यादा माइलेज दे सकती है. सो गाइस, नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कंफर्ट. गाइस, आई बिलीव किसी भी बाइक को लेने से पहले आपको उसका कंफर्ट लेवल जरूर चेक करना चाहिए. अगर बात करें इस बाइक के कंफर्ट लेवल की तो इट्स अ टूरिंग बाइक एंड ये बाइक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है बिकॉज ये आपको एक कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर देता है जिससे आपकी बैक पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता और आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इजिली राइड कर सकते हैं. इस बाइक का पिलियन सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है बट आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करा के आप ये सही कर सकते. सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड यार, मैंने देखा आप लाइक तो कर रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू सो मच गाइस, बाय.